23 मार्च को शहीदों के सम्मान में, माँ भारती के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में जमशेदपुर में भव्य और गरिमामय जो तिरंगा यात्रा संपन्न हुई उसको लेकर के जो हमारे नमन संस्था के सदस्य हैं उनको आभार प्रकट करने का, धन्यवाद देने का ये आज कार्यक्रम था। आज हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया, उन लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना, उनके साथ बैठ करके उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करना। चिलचिलाती धूप में 7 किलोमीटर तक देश की सबसे भव्यतम और गरिमामय आयोजनों में से एक नमन के द्वारा आयोजित अखंड तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में भाव और विचार जो है वो सर्वोपरि होते हैं। वो भाव, वो विचार, वो राष्ट्रभक्ति, वो देशभक्ति और माँ भारती को परम वैभव के शिखर तक पहुँचाने का जो एक संकल्प जमशेदपुर वासियों ने दिया है, ये इसका प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा वृट वृक्ष बंद करके नमन का ये जो कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हैं। और उसको सफल बनाने के पीछे जो भाव है, ऐसे वीर क्रांतिकारी बलिदानियों ने जिन्होंने अपने तन का एक एक लहू का कतरा देकर के माँ भारती को उस गुलामी की जंजीरों से, जकड़न से मुक्त कराने का काम किया, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े, छातियों पे गोलियां खाई, वो उनको नमन करने का दिन होता है। वो भारत माता के उन लाल को और उन माता पिता को जिन्होंने अपने गर्भ से ऐसे लाल को जन्म दिया, उनको याद करने का दिन होता है। ऐसे भव्य और गरिमामय माँ भारती के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा आहूत हुई 23 मार्च को, उसको सफल बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा, उनको आज आभार प्रकट किया गया इस मंच से। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.